हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 30th of January 2021। 30 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आप देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस टॉप्ड द ग्लोबल रिस्क चार्ट डिस्प्लेसिंग द क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर टू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट वन ऑफ द सेलेक्टेड स्पॉट्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन द वाइल्ड? चीता इनमें से कहाँ है पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है इन द वाइल्ड? पहला है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, या भैंसरोगढ़ सेंचुरी राजस्थान। अगला है गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। गलाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी लक्षद्वीप, या डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज एंड दोज यू वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। इसके अलावा कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर पूरा उसका एक वीडियो बनाया। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। इस बार इकोनॉमिक सर्वे इतना ज़्यादा खास लग नहीं रहा है मुझे, और दैट इज मोर देन इनफ। वो आप जस्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, इन द कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन से लिंक मैंने डाल दी है उसकी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो आज पेपर में आई है मैंने पूरी बताई हैं। स्टार्ट करते हैं चलो एक बार फिर भी न्यूज़पेपर फ्रंट पेज से। इकोनॉमिक सर्वे प्रिडिक्ट्स 11% ग्रोथ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार जो ग्रोथ प्रिडिक्शन किया है वो रियल जीडीपी के टर्म में जो बोला है, वो बोला है 11% की ग्रोथ होगी इन द टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी, एंड नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में अगर हम ग्रोथ दें तो वो 15% के आसपास होगी। नॉमिनल जीडीपी में 15% के आसपास होगी। पहले ही मैंने आपको बताया था कि रियल जीडीपी जो होती है वो किस पे होती है? रियल जीडीपी का मतलब होता है कि वो आपके कॉन्स्टेंट प्राइजेस पे जीडीपी निकाली गई है, कॉन्स्टेंट प्राइजेस या फिर बेस ईयर के प्राइजेस पे जीडीपी निकाली गई है। नॉमिनल जीडीपी जो होती है, नॉमिनल जीडीपी दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द करंट प्राइजेस। तो करंट प्राइजेस पे जब आप जीडीपी निकालते हैं तो नॉमिनल कहलाती है, जब आप बेस प्राइजेस पे निकालते हो तो, यानी कि जब आप कांस्टेंट प्राइजेस पे निकालते हो तो वो रियल कहलाती है। इसके अलावा एक और टर्म होता है जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो याद रखिएगा, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 इक्वल्स टू योर जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब सर्वे जो है, मैंने आपको ग्रोथ का तो प्रेडिक्शन बता दिया, दूसरा जो सर्वे है वो बात करता है काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज की। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज, अब एक बार थोड़ा मैं ये भी समझा देता हूँ काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज का मतलब क्या होता है। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज का मतलब ये है कि जब आपकी इकॉनमी में बूम पीरियड हो, जब आपकी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बूम पीरियड चल रहा हो, उस समय जो स्पेंडिंग है, उस समय जो स्पेंडिंग है उसे डिक्रीज कर दो, टैक्सेस को इंक्रीज कर दो। सिंपल सी बात है, जब आपकी इकॉनमी का बूम पीरियड चल रहा हो, जब बूम पीरियड चलता है उस समय के टैक्सेस को इंक्रीज कर दो और आपकी जो स्पेंडिंग है उसको डिक्रीज कर दो। वहीं पर जब रिसेशन पीरियड चलता है, काउंटर साइक्लिकल का मतलब होता है जब रिसेशन पीरियड चलता है तो टैक्सेस को डिक्रीज कर दो और स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दो। अभी तक जो इंडिया की पॉलिसी रहती है वो प्रो साइक्लिकल रहती थी, दैट वॉज प्रो साइक्लिकल। लेकिन अब इस बार उन्होंने सर्वे में सजेस्ट किया कि काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज जो हैं वो नेसेसिटी हैं। ऑब्वियस सी बात है, काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज क्यों, कॉमन सेंस समझना आप लोग। ये काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज का यूज जो रहेगा वो बेसिकली ये रहेगा कि जैसे ही आपका रिसेशन पीरियड आया, आपने स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई तो ग्रोथ बढ़ गई। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बेसिकली काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज के लिए सजेस्ट किया गया है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। इसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बोलता है कि इस बार की जो ग्रोथ है वो वी शेप्ड रिकवरी ले रही है। द रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी इज वी शेप्ड, मतलब इस तरीके की कोई रिकवरी, पहले डाउनफॉल हुआ फिर उसका अपग्रेडेशन भी हुआ। तो दैट इज अनदर थिंग विच वॉज सेड इन द सर्वे रिगार्डिंग द वी शेप्ड रिकवरी। यहाँ पे देखो ग्रोथ का जो चार्ट बनाया कुछ इस तरीके से बनाया है, है ना, इस तरीके से चार्ट बनाया सर्वे का। एंड यहाँ पे काफ़ी बूस्ट भी देखने को मिला, बेस इफेक्ट, लो बेस इफेक्ट था, ऑब्वियस सी बात है, -23% का कॉन्ट्रैक्शन था, उसके बाद -7.7% का हुआ, तो इसके कारण से क्या हुआ कि थोड़ा सा वी शेप टाइप का इसमें रिकवरी दिख रहा है, ठीक है ना।
फिर जो अगला सोल्यूशन सर्वे बोलता है वो है हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अजाइल होना चाहिए। अगर आपको पैंडेमिक से डील करना है और फ्यूचर पैंडेमिक के लिए भी तैयार रहना, तो हेल्थ केयर पॉलिसी मस्ट बी अजाइल और सैलियंसी बायस नहीं होना चाहिए उसमें। मैंने कल भी आपको बताया था सैलियंसी बायस का मतलब ये है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते रह जाते हो और छोटी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े लोगों के पास तो हेल्थ केयर मिल गया, लेकिन जो छोटे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो डिस्क्रिमिनेटरी बायस पे रह गए और उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, ठीक है ना। तो हम तभी बेटर रिप्लाई कर पाएंगे टू द पैंडमिक्स जब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एजाइल होगा, स्ट्रक्चर अच्छा होगा। दैट इज द थिंग विच वॉज देयर। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी और आपको मैंने वी शेप्ड रिकवरी बता दिया, देन एजिलिटी इन द हेल्थ केयर सेक्टर बता दिया, ठीक है ना। ये तो फ्रंट पेज में, आगे डिटेल में भी सर्वे आया है वो भी हम बात करेंगे। दूसरी न्यूज है गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट ऑन द फंड्स रिसीव्ड बाय एनजीओ। अब गवर्नमेंट ने टाइट कर दिए हैं ओवरसाइट ऑन द फंड रिसीव्ड बाय एनजीओ। कैसे? देखो, होम मिनिस्ट्री ने ले डाउन किया है चार्टर फॉर बैंक्स। होम मिनिस्ट्री हैज लेड डाउन अ चार्टर फॉर बैंक्स विच सेज दैट डोनेशंस रिसीव्ड इन इंडियन रुपीज, डोनेशन जो इंडियन रुपीज में रिसीव हो रही है बाय एनजीओज एंड एसोसिएशंस फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स, किसी भी फॉरेन सोर्स से अगर रुपीज में भी डोनेशन रिसीव हो रही है फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स, इवन इफ दैट सोर्स इज लोकेटेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ सच अ डोनेशन, इवन व्हेन दैट लोकेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, जब वो सोर्स इंडिया में लोकेटेड है, अगर तो भी अगर वो फॉरेन सोर्स है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, भले ही वो कंट्रीब्यूशन रुपीज में हो और भले ही किसी ऐसी फॉरेन फर्म के द्वारा हो जो कि इंडिया में बेस्ड हो समय, तो भी आपको याद रखना है कि सच डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज योर फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। एंड एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स ऑल द बैंक्स हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द रिसीट और यूटिलाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एनजीओ। तो अभी रूल्स कितने स्ट्रिक्ट ये चल रहे हैं कि गवर्नमेंट के सामने, यानी कि जितने भी बैंक्स हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 48 आवर्स, है ना। सारे बैंक्स को 48 आवर्स के अंतर्गत रिपोर्ट करना पड़ता है एंड आवर्स द रिसीट ऑफ और यूटिलाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आता है उसके 48 घंटे के अंदर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है किसी भी एनजीओ द्वारा, ठीक है ना। अब सोचो FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट जो है 2010 का एक्ट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010, इसको अमेंड किया गया था और इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया दैट इट मेक्स मैंडेटरी फॉर ऑल एनजीओस टू रिसीव फॉरेन फंड्स इन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट एट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच, है ना। यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जितने भी एनजीओस हैं जो कि फॉरेन फंड रिसीव करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो जो फॉरेन फंड आएगा वो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच के अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर ऑल एनजीओस टू रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली ब्रांच। ये भी ऑलरेडी रूल्स में आ चुका है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर। तो काफी ज्यादा ओवरसाइट टाइट कर दी गई है ऑन द एनजीओस विच आर रिसीविंग द फॉरेन फंड्स। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे कुणाल कामरा के ऊपर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। सुओ मोटू कंटेंप्ट लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। याद रखना आपने, कंटेंप्ट दो तरीके का होता है, एक होता है सिविल कंटेंप्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेंप्ट। सिविल कंटेंप्ट का मतलब होता है वेन यू विलफुली डिसओबे द रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वेन यू विलफुली डिसओबे द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये होता है सिविल कंटेंप्ट। लेकिन क्रिमिनल कंटेंप्ट का आता है वेन यू ट्राई टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपका क्रिमिनल कंटेंप्ट कब बनता है? वेन यू ट्राई टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। यहाँ पे कुणाल कामरा के अगेंस्ट जो है वो कंटेंप्ट की प्रोसीडिंग चलाया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुओ मोटू कंटेंप्ट लिया है। यहाँ पे कुणाल कामरा ने कहा है जोक्स नीड नो डिफेंस, ठीक है ना, जोक्स में कोई डिफेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा उन्होंने कहा। अब वो कॉमन मैन बन गया कुणाल कामरा, कहना शुरू कर रहे हैं नाउ कि इट इज ओवर एस्टिमेशन ऑफ माई एबिलिटीज दैट आई कैन शेक द फाउंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेरी एबिलिटीज का ओवर एस्टिमेशन होगा अगर आप लोग ये बोलेंगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की जड़ें हिला दी, सो दैट विल बी एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ माई एबिलिटीज। दिस इज वॉट कुणाल कामरा हैज टू से। दूसरा उन्होंने ये बोला, कुणाल कामरा ने क्या बोला, हाँ
द ट्वीट्स वर फॉर द जोक पर्पस, जो ट्वीट्स थे वो जोकिंग पर्पस के लिए थे, इसलिए उसको इतना सीरियस लेना या उससे उससे परसेप्शन ओपिनियन बनाना ये गलत होगा, दिस इज व्हाट ही सेड। देन इसने कहा कि होप दैट द कोर्ट विल डेमोंस्ट्रेट दैट फ्री स्पीच इज द कार्डिनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, इफ द पावरफुल आर अनेबल टू टॉलरेट रिब्यूक एंड क्रिटिसिज्म वी विल बी रिड्यूस्ड टू अ कंट्री ऑफ इनकार्सरेटेड आर्टिस्ट एंड फ्लरिशिंग लैपडॉग्स। तो यहां पर ऐसी कंट्री हमको नहीं बनना है जहां पर कि आर्टिस्ट्स को इनकार्सरेट किया जाए और जहां पे लोग जो हैं जो बड़े हैं रिच हैं वेल्दी हैं वो अगर जोक्स भी नहीं सह सकते तो वी विल बी रिड्यूस्ड टू अ कंट्री ऑफ इनकार्सरेटेड आर्टिस्ट्स एंड फ्लरिशिंग लैपडॉग्स। दिस इज व्हाट कुणाल कामरा सेड इन हिज डिफेंस इन द सुप्रीम कोर्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। आईआईटी के सबमिट्स प्रपोजल टू दिल्ली गवर्नमेंट ऑन रियल टाइम पॉल्यूशन स्टडी। तो आईआईटी कानपुर ने सबमिट किया है प्रपोजल टू द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल दिया है फॉर कंडक्टिंग अ स्टडी टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट इन द सिटीज एयर ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो रियल टाइम बेसिस में आईआईटी कानपुर चाहता है कि एक स्टडी की जाए टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स, क्या सोर्सेज हैं पोल्यूटेंट्स के, इसको रियल टाइम में पता करने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक प्रपोजल सबमिट किया है टू द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है ना। द प्रपोजल कॉस्ट इज नियर अबाउट 11 करोड़ रुपीज़ का लगभग प्रपोजल है एंड आईआईटी कानपुर चाहता है कि स्टडी अलॉट की जाए उनको विदाउट अ टेंडर एंड डिसीजन विल बी टेकन बाय द कैबिनेट। आईआईटी कानपुर विल एनालाइज द डेटा एंड क्रिएट एन एल्गोरिदम विच विल गिव व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो रियल टाइम बेसिस पे एनालिसिस करने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक प्रपोजल सबमिट किया 11 करोड़ का एंड दे आर सेइंग दैट प्लीज गिव अस दिस थिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी प्रॉपर टेंडर, है ना, जिसके लिए कैबिनेट जो है वो डिसीजन लेगा। लेट्स सी कि क्या कैबिनेट डिसीजन लेता है। नाउ नेक्स्ट द एडिटोरियल इज रिगार्डिंग द बजट ब्लूप्रिंट फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स रिटन बाय मनमोहन सिंह पी चिदंबरम, है ना। तो ये आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग द बजट विच विल बी अनाउंस्ड ऑन द मंडे। मंडे को अनाउंस किया जाएगा बजट और उसके लिए ऑथर ने यहाँ पे कुछ सजेशन दिए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए मनमोहन सिंह एंड पी चिदंबरम ने, बोथ इकोनॉमिस्ट। लेट्स सी द आर्टिकल। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, सबसे पहले ऑथर ने कहा कि जो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 है वो इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड मेयरली थ्रू द हेडलाइन मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स ऑफ जीडीपी। केवल जीडीपी के नंबर्स देख करके हम इसके कोविड-19 के इंपैक्ट को नहीं देख सकते। ऑब्वियसली बात है, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 क्या बोलता है, यही बोलता है ना कि जीडीपी के थ्रू आप कोई भी चीज जज नहीं कर सकते, जीडीपी के साथ कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी जुड़ी रहती है ना। कई बार जीडीपी तो बहुत ज़्यादा होती है कंट्री की, लेकिन उसकी निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं। निगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या है कि बड़ी जीडीपी के साथ बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स भी जुड़े रहते हैं जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं या जिनको हम ओवरकम करते हैं, लेकिन उनका मॉनिटरी अगर हम इम्पैक्ट देखें तो बहुत ही गलत होता है। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही कि जीडीपी को देख करके हम कोविड-19 के इम्पैक्ट को एसेस नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ऑथर बोलते हैं वो बोलते हैं कि इन द कोविड-19 रिस्पॉन्स, जो कोविड-19 में हमारा रिस्पॉन्स था, वी कुड हैव डन मच बेटर देन दैट। अगर हम प्लान्ड लॉकडाउन करते, बीइंग सेंसिटिव टू इंडियाज यूनिक कंडीशन ऑफ लार्ज माइग्रेंट एंड इनफॉर्मल वर्कफोर्स, जिसको कि कंसिडर नहीं किया गया। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली कि एक प्लान्ड लॉकडाउन अगर होता विच वॉज बींग सेंसिटिव टू इंडियाज यूनिक कंडीशन ऑफ लार्ज माइग्रेंट एंड इनफॉर्मल वर्कफोर्स, देन वी कुड हैव रिड्यूस्ड दिस डिस्ट्रेस इन द लेबर मार्केट। तब हम जाकर के लेबर मार्केट का जो डिस्ट्रेस है उसको दूर कर सकते थे। फिर इसके बाद हमने जो फिस्कल एड दिया, फिस्कल एड पैकेज में भी हमने सही से जो बंटवारा होना चाहिए था या सही से जो शेयर किसको कितना जाना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन आवर प्रायोरिटी। मतलब हमने खर्च तो किया बट हमारी प्रायोरिटीज़ काफ़ी अलग थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है, उसको पैंडेमिक के टाइम पे ही अप्रूवल देना, इसके सारी चीज़ों को करना, दैट वॉज नॉट वर्दी ऑफ अ एक्सपेंडिचर। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शंस की तारीफ की गई, लेकिन वो भी कहा गया कि दे वर नॉट इनफ। फिर इसके बाद ऑथर ने कहा कि यही मतलब प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने मनरेगा को मॉक किया था। ही सेड दैट कि मनरेगा को मैं कभी बंद नहीं करूंगा, इट विल बी अ एपिटोम ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा उन्होंने कहा था। बट दिस वाज द कुशन, एक्चुअली में देखा जाए तो मनरेगा वाज प्रूव्ड टू बी द ओनली सेफ्टी नेट फॉर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल। मनरेगा एकमात्र सेफ्टी नेट बचा था जहां पर उनको लगभग 120 मिलियन पीपल हैव आस्क्ड फॉर द वर्क अंडर द मनरेगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर, विच इज द हाइएस्ट
हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोग्राम। लगभग 120 मिलियन पीपल हैव आस्क्ड फॉर द वर्क अंडर मनरेगा दिस फाइनेंशियल ईयर। मनरेगा की ही आपको वेज भी बढ़ाई गई थी इस बार। इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही चीज़ बोली कि 20 रुपए से वेज बढ़ाई गई थी। 182 रुपीस मिलता था पहले, अब 202 रुपीस मिलने लगा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक। सो दैट इज द थिंग विच वॉज देयर। मनरेगा ने एक सेफ्टी नेट की तरह काम किया, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज ऑथर जरूर पॉइंट आउट करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि वी शेप्ड रिकवरी हो रही है। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि रिकवरी ही नहीं हो रही है, देयर इज नो क्लियर साइन ऑफ रिकवरी। क्योंकि रिकवरी कब होती है? जब वेजेस इंक्रीज होने लगे, जब आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगे। लेकिन ये रिकवरी नहीं, कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है। आपको कहना चाहिए था कि भाई पहले -23% कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, फिर -7.7% कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू जरूर घटी है, लेकिन आप उसको रिकवरी नहीं बोल सकते। द वैल्यू इज द मेयर कहना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन हैज डिक्रीज्ड। इट्स नॉट दैट योर इकोनॉमी हैज रिकवर्ड और योर इकोनॉमी हैज शोन अ वी शेप्ड रिकवरी। तो यहां पर ऑथर ने उसके ऊपर जरूर एक वो कसा है कि यहां पे वी शेप्ड रिकवरी हम नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं जो ऑथर ने तो नहीं बोली है, देयर हैज बीन अ के शेप्ड ट्रेंड। ये जरूर मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। के शेप्ड ट्रेंड का मतलब होता है रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। तो ये जरूर ट्रेंड हमने देखा था इस बार के पैंडेमिक के बाद। तो मैंने आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी बताई थी जो इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट थी। उसमें देखो इनइक्वालिटी वायरस, देखो यहां पे क्या हुआ था कि जो रिचर थे उनकी इनकम बढ़ गई थी काफी ज्यादा, जो पुअर थे वो और पुअर हो गए, जो माइग्रेंट्स थे वो और हुए। तो एक्चुअली यहां पे के शेप्ड हम देख सकते हैं, वी शेप्ड तो मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है। सर्वे अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब अच्छा ही हुआ है ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसी चीजें है नहीं। फिर ऑथर ने जो चीज़ें बोली हैं जैसे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो मैंने के शेप्ड वाली बात बोली, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जरूर बढ़ी है रिच एंड पुअर के बीच में। इनफैक्ट यूपीएससी में इस बार का जो एक क्वेश्चन भी था वो यही था कि इनइक्वालिटीज और ज़्यादा डीप हो गई हैं, इनइक्वालिटीज और ज़्यादा बढ़ गई हैं इन दिस सेशन ऑफ पैंडेमिक, ठीक है ना। फिर ऑथर ने कहा है कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे कि सोरिंग असेट प्राइस एंड सप्लाई शॉक्स हैव लेड टू राइज इन द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। यानी कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ा है आपका बिकॉज ऑफ द एसेट प्राइस इंक्रीज एंड सप्लाई शॉक्स। जो सप्लाई शॉक्स हुए और एसेट प्राइस इंक्रीज हुआ तो उससे काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा। देन यहां पर वही वाली बात जो मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूं कि यहां पर क्या हुआ कि आपको आपको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर रहा है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से होता क्या है कि ग्रोथ तो बढ़ती है लेकिन आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होने लगता है। तो वही वाली बात है कि दोनों एक साथ मतलब एक साथ किस तरीके से को एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे अगर देखें, ऑथर ने कहा है कि इंडिया को कोशिश कर ऐसे में इंडिया जो कोशिश कर रहा है वो उल्टी कोशिश कर रहा है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड वी आर शनिंग द ट्रेड अलायंसेस। हम ऐसे में क्या कर रहे हैं, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दें, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने लगे हम। जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या ट्रेड कहना चाहिए कि ट्रेड रिलेटेड जितने भी अलायंसेस हैं, वी आर लीविंग ऑल दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हमने RCEP छोड़ दिया, है ना, हमने RCEP तो छोड़ा, हमने उसके पहले BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनने से मना कर दिया। तो हम कुल मिलाकर के अलायंसेस को छोड़ते जा रहे हैं। इज दैट गुड फॉर आवर इकोनॉमी? नहीं, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। और हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने लेबर्स को जॉब प्रोवाइड कर सकें, लो स्किल्ड लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कर सकें, हाई स्किल्ड लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें, वेज इंक्रीज कर सकें। दिस शुड हैव बीन आवर एम। फिर इसके बाद ऑथर ने यह भी कहा है कि बेसिक इनकम सेफ्टी नेट भी होना चाहिए ऐसे शॉक्स को हैंडल करने के लिए। एक बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसको आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी प्रावधान होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट कहना चाहिए कि त्वरित सबसे ज्यादा फास्ट वे है, फास्टेस्ट वे इन ऑर्डर टू टैकल सच अ सिचुएशन, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है फॉर्मल सेक्टर में वो दैट इज वेरी टू हाई, बहुत ज्यादा हाई है ना। एंड वो भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करें। तो पॉलिसी और बजट ऐसा होना चाहिए जो कि जॉब्स क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ऑथर ने कहा कि अभी भी जो बाकी इश्यूज हैं, जैसे कि GST के आने के बाद जो स्टेट्स को फेस करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स को कंपनसेशन नहीं दिया गया, इस कारण से उनकी जो बोरोइंग थी और ज़्यादा बढ़ गई थी, बोरोइंग बढ़ गई तो उनका ऑब्वियस ही बात है फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया होगा, है ना। तो वही चीज़ ऑथर ने बोला कि यहाँ पर भी कोई कंसल्टेशन डिस्कशन नहीं हो रहा है और
चीजें अपने मनमर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई करते आ रही है। ऐसे में एग्रीकल्चर जो था वो ओनली सिल्वर लाइनिंग, जैसा कि कल सर्वे में मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर एकमात्र सेक्टर है जो कि ग्रो किया है 3.4% से। ये नोट कर लेना आप, इकोनॉमिक सर्वे भी यही बोलता है कि इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो डिक्रीज हुआ है, सर्विसेज सेक्टर आपका डिक्रीज हुआ है, ये लगभग 16% 19% डिक्रीज हुए हैं। वहीं पर एक आपका केवल एग्रीकल्चर था जो 3.4% से ग्रो किया है। सो दैट वॉज दी ओनली सिल्वर लाइनिंग अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स को देखें तो। इसमें भी आपने फार्म लॉज ला दिया, किसानों को गुस्सा कर दिया, है ना, देयर वॉज अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन ऑल ओवर, है ना, एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर अभी भी लोगों का ट्रस्ट नहीं है, उनको लग रहा है कि फार्मर्स को लग रहा है कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। सो ऐसी कंडीशंस आपको क्रिएट करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। ऑथर ने ये भी कहा है कि हाँ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, जो काउंटर साइक्लिकल वाली बात है कि रिसेशन पीरियड में उनको एक्सपेंडिचर करना चाहिए, दैट इज गुड, बट एक्सपेंडिचर सही जगह करना चाहिए, द प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंडिचर आर नॉट राइट। ऑथर का कहना है द प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंडिचर आर नॉट राइट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट दैट इज नॉट द करेक्ट प्रायोरिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर नाउ, ठीक है, उसको बाद में आप कर लो, उसको एक साल बाद कर लेना, 6 महीने बाद 10 महीने बाद कर लेना, लेकिन जस्ट इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक आपने उसको एग्रीमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सेंट्रल विस्ता का, जहां पर दूसरे केसेस चलने चाहिए थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के केसेस चलने चाहिए थे, देन वही चीजें ऑथर यहां पे चीजें सजेस्ट की हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूवमेंट होना, में कम से कम 2% आपको हेल्थ केयर में देना चाहिए, जैसा कि पहले भी कई बार कहा गया है कि हेल्थ में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो प्रॉपर, है ना, R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो प्रॉपर, R&D में 0.5-0.6% ही हो रहा है, हेल्थ केयर में केवल 1% के आसपास हो रहा है, उसको और बढ़ाना चाहिए ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, है ना। एंड ऑथर ने यहाँ पे बॉर्डर के लिए भी सजेस्ट किया कि बॉर्डर एरियाज जो है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चाइना से थ्रेट आ रहे हैं, एंड चाइनीज थ्रेट को भी रोकने की कोशिश करनी है, वी हैव टू बी रेडी एट आर बॉर्डर्स एज वेल। इसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट मस्ट स्टेप इन टू डू द हैवी लिफ्टिंग एंड पुल द इकोनॉमी फ्रॉम इट्स करंट डिसमल रेट। यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है ताकि इकोनॉमी को पुल किया जा सके। ऑब्वियसली बात है, पब्लिक स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल अगर इनकम आएगी तो इससे क्या होगा, इससे हमारे यहाँ ग्रोथ प्रोविजन बढ़ेगा, है ना। And the central government's capital expenditure must be increased significantly from the level of 4 lakh crores, यानी कि हमको अभी अपने एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना। और बेसिक सेफ्टी इनकम नेट, जैसा कि उन्होंने अपनी पार्टी क्या बताया कि न्याय, कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय नाम की स्कीम लाई थी, न्यूनतम आय योजना, मिनिमम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसी तरीके का कोई प्रावधान आपको मिनिमम एक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में करने की जरूरत है, विच विल बी द एफिशिएंट एंड फास्टेस्ट वे टू एलिविएट द मिजरीज ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है ना। तो ये दीज आर सम ऑफ द सजेशंस गिवन इन द बजट फॉर द बजट, एंड क्या इश्यूज थे, क्या इश्यूज हाईलाइट किए हैं ऑथर ने और उनको बताया है किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। अब नेक्स्ट जो है वहाँ है नोवावैक्स टू बी मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शोज 89% एफिकेसी इन यूके। तो नोवावैक्स नाम की वैक्सीन जो है वो बनाई जाएगी इंडिया में बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, नोवावैक्स जो है दैट विल बी अ वैक्सीन प्रोड्यूस, अमेरिकन कंपनी है नोवावैक्स, वैसे नोवावैक्स अमेरिकन कंपनी है, इसकी वैक्सीन इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा। एंड वैसे यूके में तो इसकी 89% एफिकेसी है, लेकिन अफ्रीका में इसकी एफिकेसी 60% के आसपास हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द म्यूटेंट कोरोना वायरस, ठीक है ना, म्यूटेंट कोरोना वायरस का ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी एफिकेसी घटी क्योंकि वहाँ पे म्यूटेंट कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा थे। आगे देखें तो अब हम फिर से इकोनॉमिक सर्वे के बारे में आते हैं, विड्रॉ 4 बियरेंस वंस इकोनॉमी रिकवर्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 4 बियरेंस को आप विड्रॉ कर लेना जब इकोनॉमी रिकवर कर जाए। 4 बियरेंस क्या है थोड़ा समझाता हूँ। 4 बियरेंस का मतलब ये है, जैसे मान लो बैंक से आपने लोन लिया, अभी बैंक के लोन का इतना ज़्यादा रिव्यू नहीं हो रहा है, मतलब कि आपने किसको लोन दिया है किसको नहीं दिया, आप बिल्कुल ईजी कर दिया है, रेगुलेशंस को ईजी कर दिया गया है ना, लोन के रेगुलेशंस को ईजी कर दिया गया, ठीक है, लोगों को पैसा दो आप इसे करो, इसको बोलते हैं 4 बियरेंस। जब आप ईजी कर देते हो ना रूल्स को, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है 4 बियरेंस refers to relaxation in the norm for restructuring the stressed assets of the bank. Banks के लिए भी आपको easy कर दिया जाता है। Banks बोला ठीक है यार,
इसको राइट ऑफ कर लो, इसको ये कर लो, थोड़ा इजी कर दिया रेगुलेशन को, तो वो आपका फोर बियरेंस कहलाता है। लेकिन फोर बियरेंस अगर लॉन्ग टर्म में आपने कर दिया सो दैट विल इंपैक्ट द इकोनॉमी और वो फिर आपका एनपीए की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो लॉस एसेट में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे सजेस्ट करता है सर्वे कि रेगुलेटरी फोर बियरेंस जो है वो अभी तो ठीक है लेकिन इकोनॉमी जब रिकवर कर जाए तो उसको विड्रॉ कर लेना AQR यानी कि एसेट क्वालिटी रिव्यू, फिर बैंक्स का जो एसेट क्वालिटी रिव्यू है उसको भी करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज जो सर्वे बोलता है वो बोलता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो इंडिया के खिलाफ एक बायस लेकर के चलती हैं, इंडिया एंड अदर जो इस तरह की इमर्जिंग इकोनॉमी उनके खिलाफ एक बायस लेकर के चलती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया को उन्होंने जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनका ये कहना था इंडिया जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में थी एंड तब भी हमारी जो रेटिंग थी वो स्टैंडर्ड एंड पुअर में BBB- थी, BBB- और Baa3 थी आपकी मूडीज में, Baa3 मूडीज में थी। तो ऐसा केवल इकोनॉमी के टर्म्स में दो बार हुआ है वर्ल्ड में, एक बार चाइना के साथ हुआ है जो कि बड़ी इकोनॉमी के रहते रहते भी AAA नहीं रेटिंग ले पाया, और दूसरा इंडिया के साथ हो रहा है जो कि इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी AAA रेटिंग नहीं ले पाया। तो ये चीज़ उन्होंने बोली कि इनको जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड दैट इज द थिंग दैट वॉज मस्ट बी डन और बायस नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ने एक चीज़ और बोली कि इंडिया का जो रेगुलेशन है काफ़ी ज़्यादा ओवर रेगुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा टाइट रेगुलेशन है, तो यहाँ पर भी हमको ओवर रेगुलेशन से बचना चाहिए क्योंकि उससे इनएफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी नहीं आती है। देन हेल्थ केयर सेक्टर में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एजिलिटी चाहिए टू काउंटर द पैंडेमिक लाइक सिचुएशन, अगर आपको पैंडेमिक से लड़ना है आगे, टू इनेबल इंडिया टू रिस्पॉन्ड टू पैंडेमिक्स द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी एजाइल, फॉर इंस्टेंस एवरी हॉस्पिटल में बी इक्विप्ड सो दैट वन वार्ड, एटलीस्ट वन वार्ड इन ईच हॉस्पिटल कैन बी क्विकली मॉडिफाइड टू रिस्पॉन्ड टू अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी। हर हॉस्पिटल में कम से कम एक वार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि इतना ज्यादा मॉड्यूलर हो आपका कि वो किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से लड़ने के लिए आपके लिए तैयार रहे एंड नॉर्मल डिसीजेस के टाइम पे नॉर्मल टाइम के लिए भी यूज हो सके और पैंडेमिक के टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी के लिए भी यूज हो सके। तो ऐसा एक वार्ड एटलीस्ट हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। फिर सर्वे टेलीमेडिसिन के पोटेंशियल को भी बोलता है कि अगर आप इंटरनेट के एवरेज को अगर बढ़ा दो, इंटरनेट कवरेज को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आप टेलीमेडिसिन का भी फुलेस्ट उपयोग कर सकते हैं, दिस इज अनदर थिंग। एंड नेशनल हेल्थ मिशन की तारीफ भी की कि इस पैंडेमिक में काफी ज्यादा हेल्प किया इस नेशनल हेल्थ मिशन ने। देन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो है हेल्थ में इट कैन लीड टू पॉवर्टी, सर्वे ये चीज बोलता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने पहले भी कहा था आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में 65% है। 65% का मतलब क्या हुआ कि लगभग अगर 100 रुपए खर्चा हो रहा है किसी के इलाज में तो 65 रुपए वो व्यक्ति जेब से दे रहा है। इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अप्रॉक्स 65% है, गरीबों के लिए भी सोचो कितना ज्यादा है, वो काफी लोगों को पॉवर्टी की तरफ धकेल सकता है। तो सर्वे बोलता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिंग है अभी हेल्थ में वो लगभग 1% है, अगर हम उसको 1% से 2.5 से 3% पे बढ़ा दें, मतलब 2.5% से लेकर के 3% पर ला दें हेल्थ केयर में स्पेंडिंग, तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 65% से घट करके 30% पर आ जाएगा। ओवरऑल हेल्थ केयर में जो स्पेंडिंग है वो 65% से घट करके 30% पे आ जाएगा, मतलब कि अगर फिर 100 रुपए लगेंगे किसी इलाज में तो केवल 30 रुपए जेब से जाएंगे, मतलब फिर भी अभी तो 65 रुपए जा रहे हैं तो 35 रुपए की तो बचत होगी, देयर विल बी अ सेविंग ऑफ 35 रुपीज, फिर उससे वो व्यक्ति कुछ और खरीद सकता है, उससे डिमांड बढ़ेगी, उससे बूस्ट होगा और उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो दीज आर द बेनिफिट्स, यही चीज सर्वे बोलता है। दूसरी चीज सर्वे ये बोलता है कि अभी जो मैक्सिमम जो डेथ्स हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के कारण हो रही है, जिसमें इश्कीमिया, हार्ट डिसीजेस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD जिसको बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एंड स्ट्रोक्स, हार्ट स्ट्रोक्स, और इसके कारण बेसिक ज्यादा से ज्यादा जो मौतें हो रही हैं, दीज आर द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। फिर यहाँ पे अगला चीज सर्वे बोलता है कि लॉकडाउन प्रोवाइडेड अ बूस्ट टू द गिग इकोनॉमी, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक टाइम। एंड दूसरी चीज सर्वे ये भी बोलता है कि इंटरनेट में जो फैसिलिटीज थी, इंटरनेट की सर्विसेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, एंड ये एक रीजन था कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स और ऐप वाले जो वर्कर्स हैं काफी उनको बेनिफिट मिला। सर्वे अगली चीज बोलता है कि इनइक्वालिटी को कम करना है या पॉवर्टी को कम करना है तो उससे ज्यादा आपको फोकस ग्रोथ पे करना पड़ेगा। अगर आप ग्रोथ पे फोकस करते हो तो ऑलरेडी वही ट्रिकल डाउन, मैंने कल भी आपको सर्वे में बताया था ट्रिकल डाउन अप्रोच, तो अगर आप ट्रिकल डाउन अप्रोच लेकर के चलते ग्रोथ को बढ़ावा देते हो तो आप पॉवर्टी को अपने आप एलिविएट कर लोगे। मतलब कि उन्होंने कहा कि देखो अगर केक है तो केक सब में बट रहा है, ठीक है ना,
अब आपको और ज्यादा चाहते हो पॉवर्टी कम करना, तो केक का साइज बढ़ाओ, इंक्रीज द साइज ऑफ द पाई। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करो, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस, फॉल इन प्लेस। देन कैपिटल बजट एलोकेटेड फॉर डिफेंस कंप्लीटली यूटिलाइज्ड सिंस 2016-17, पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंप्लीट आपका डिफेंस एलोकेटेड बजट था वो यूटिलाइज किया गया। द एलोकेटेड कैपिटल बजट फॉर डिफेंस हैज बीन फुल्ली यूटिलाइज्ड सिंस 2016-17, रिवर्सिंग द प्रीवियस ट्रेंड्स ऑफ सरेंडर ऑफ फंड्स। पहले क्या होता था, सरेंडर ऑफ फंड्स, मतलब कि पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था और फिर फंड सरेंडर करने पड़ते थे, लेकिन वहीं पे इस बार पूरा का पूरा जो बजट है वो यूटिलाइज किया गया, इन स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, रफेल लिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये सब इतना काम कर रहे हैं डिफेंस रिलेटेड, तो उसमें तो बजट आपका यूटिलाइज होगा ही। एंड यहाँ पर जन आरोग्य योजना की भी तारीफ की गई है सर्वे द्वारा। उन्होंने कहा कि जिन स्टेट्स ने जन आरोग्य योजना ले लिया है उनको, उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है हेल्थ आउटकम्स का। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट सब डिक्रीज हो गए हैं उन स्टेट्स में। वहीं पर जो इंश्योरेंस कवरेज है वो भी इंक्रीज हुआ है ना। सो दीज थिंग्स हैव बीन मेंशनड बाय द सर्वे इन द इकोनॉमिक सर्वे। वैसे मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है इसके सर्वे से रिलेटेड, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू।